हाय नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल CRPF इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे रेलवे लोको पायलट CBT 2, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एक बात और, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को भी दबाएं जिससे मेरा नया नया हर वीडियो आप आसानी से देख सकें। आइए दोस्तों शुरू करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जनता के लिए स्वर्ण निवेश हेतु किस योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्ड बॉन्ड योजना की। गोल्ड बॉन्ड योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा जनता के लिए सोने को निवेश करने के लिए की गई है, ठीक है। अगला दो नंबर प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनिल कुमार चौधरी को। दोस्तों अनिल कुमार चौधरी को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया या सेल का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला तीन नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने खाद्य सुरक्षा योजना को आरंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा ने। दोस्तों ओडिशा ने हाल ही में खाद्य सुरक्षा योजना को आरंभ किया है। अगला चार नंबर प्रश्न है, हाल ही में किसे इंडिया सोशल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेमा गोपालन को। दोस्तों प्रेमा गोपालन को हाल ही में इंडिया सोशल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला पांच नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को 3 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार तथा कुल 7वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश को। बांग्लादेश को भारत ने 3 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार तथा कुल 7वीं बार एशिया कप अपने नाम किया है। अगला छः नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत में किस स्थान पर एशिया के पहले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना किए जाने की घोषणा हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना में। दोस्तों पटना में हाल ही में एशिया के पहले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है। अगला सात नंबर प्रश्न है, हाल ही में कौन युवा ओलंपिक के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जेरेमी लाल रिनुगा। ये वेटलिफ्टर खिलाड़ी है जिसका नाम है जेरेमी लाल रिनुगा, जिन्होंने युवा ओलंपिक के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। अगला आठ नंबर प्रश्न है, हाल ही में इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी पहल को किस केंद्रीय मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विदेश मंत्रालय ने। दोस्तों विदेश मंत्रालय ने इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी नामक पहल को लॉन्च किया है। अगला नौ नंबर प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय कार्मिक प्रबंधन संस्थान के NIPM रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर तपन कुमार चंद को। डॉक्टर तपन कुमार चंद को राष्ट्रीय कार्मिक प्रबंधन संस्थान के NIPM रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला दस नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के किस बैंक पर बिना स्वीकृति के नई शाखाएं खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंधन बैंक। दोस्तों बंधन बैंक पर RBI ने, बंधन बैंक जो है निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक ने बिना स्वीकृति के नई शाखा खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला 11 नंबर प्रश्न है, भारत ने इंडोनेशिया में आयोजित एशियन पैरा गेम में कितने पदक जीतकर टूर्नामेंट में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 72 पदक। दोस्तों भारत ने इंडोनेशिया में जो आयोजित हुआ था एशियन पैरा गेम्स, उसमें 72 पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है भारत ने। अगला 12 नंबर प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग ने नकली दवाओं के वितरण को रोकने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओरेकल।
ओरेकल एक दवा कंपनी है जिसके साथ नीति आयोग ने नकली दवाओं के वितरण को रोकने के लिए इस कंपनी के साथ क्या किया है, समझौता किया है। अगला 13 नंबर प्रश्न है, हाल ही में चाइना रिच लिस्ट 2018 में कौन एवरग्रांड के चेयरमैन सू जियास इन को पछाड़कर एक बार फिर चीन के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं? तो अलीबाबा के फाउंडर जैक मा, चीन के सबसे अमीर शख्स जैक मा बन गए हैं जो अलीबाबा के फाउंडर है। और दूसरे स्थान पर है सू जिया इन जो एवरग्रांड के चेयरमैन है, ठीक है। अगला 14 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने अपनी 51 शाखाओं को बंद करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अभी हाल ही में अपनी 51 शाखाओं को बंद करने की घोषणा की है, ठीक है। अगला 15 नंबर प्रश्न है, इसरो ने पहले स्पेस टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन सेंटर को किस राज्य में लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा में। इसरो ने त्रिपुरा में अपने पहले स्पेस टेक्नोलॉजी इक्यूबेशन सेंटर को लॉन्च किया है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।